मध्य प्रदेश के जबलपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम परिसर में खूब हंगामा किया। इन लोगों ने नगर निगम के कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और शहर के राजीव गांधी चौक से नगर निगम तक पैदल मार्च निकल पड़े। लेकिन जैसे ही वो नगर निगम परिसर में दाखिल हुए, पुलिस ने उनका रास्ता रोक दिया, जिसके बाद वो वहीं सड़क पर बैठकर नारे लगाने लगे। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने बहुत देर तक वहां तमाशा किया और जब उन्हें समझाने की सारी कोशिशें फेल हो गईं, तो पुलिस वाले उन्हें अपनी गाड़ियों में ठूसने लगे। जो प्यार से समझा वो आराम से गाड़ी में बैठा और जो नहीं समझा उसे पुलिस ने हाथ और पैर पकड़कर उठाया और गाड़ी में डाल दिया। लेकिन कुछ लोग फिर भी नहीं माने और गाड़ी से बाहर निकलकर नारे लगाते रहे। वैसे तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह प्रदर्शन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किया, लेकिन वो खुद ही कोरोना नियम तोड़ते दिखे, जिसकी वजह से पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। सौ बात की एक बात है कि मध्य प्रदेश में नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में जुटे हैं और माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी भी नगर निकाय चुनावों में पूरा दम लगा रही है, क्योंकि इन चुनावों को मध्य प्रदेश के अगले विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है।